हेलो स्टूडेंट, तो आज हम जो हमारा चैप्टर 6 कॉम्बसन एंड फ्लेम का जो पार्ट 2 वाला वीडियो आप लोग ये क्लास कर रहे हैं, ठीक है, जहां हम लोग पढ़ेंगे हमारा 6.4 जो है एक्टिविटीज, वहीं से हम लोग पिछले क्लास में छोड़े थे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बोल दूँ कि तुम लोग ये वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे तुम अपना नाम डाल दो, जो कि हम लोग को हेल्प करेगा अटेंडेंस लेने के लिए। जिस बच्चे की नाम होगा तो उस बच्चे की हम लोग अटेंडेंस खाते में उन लोग को प्रेजेंट दिखाएंगे, और जो लोग नाम नहीं है, नाम नहीं डाले, तो वो तुम लोग का एब्सेंट हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्लास, ठीक है, एक्टिविटी 6.4। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कॉम्बसन क्या है, फ्लेम क्या है, किस टाइप का फ्लेम रहता है, ठीक है। तो चलो एक्टिविटी 6.4 में हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, समझते हैं, ठीक है। वैसे ही तुम लोग को ये केयरफुली ये सब करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बहुत डेंजर होता है ये आग जो चीज़ होता है। यहाँ पे तुम लोग मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए सीट ऑफ पेपर। तुम्हारा जो पेपर होता है उसको फोल्डिंग करके एक हमारा जो फेयर होता है, जो हमारा पेट्रोल के लिक्विड डालने में हम लोग को जो मदद करता है, उस टाइप का 2 बना लो। देन कम से कम 50 ml तक के वाटर, जैसे कि वो वहाँ पे रुक सकता है, ठीक है, उस टाइप का। देन हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विथ ए कैंडल। यहाँ पे देखो, एक कैंडल में तुम लगभग 50 ml का पानी वहाँ पे डाल दो, ठीक है, और एक कैंडल एक कप जो है वो वैसे ही दो, रहने दो। तो दोनों को तुम कैंडल के पास लेके उसे जलाना शुरू करो। तो तुम लोग क्या देख रहे हो, जहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल जो कप जैसे जो बनाए हो फिर जैसे, वो तुम लोग को इजीली जल जाएगा, और लेकिन जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे थोड़ा नहीं जलेगा, आई मीन थोड़े थोड़े जलने के बाद भी वो आगे नहीं जलेगा। ऐसा क्यों होता है? व्हाट हैपेंड टू द एम्प्टी पेपर कप एंड व्हाट हैपेंड टू द पेपर कप विद वाटर? क्या हो रहा है? तुम लोग को बोल रहा हूँ कि जो जल जो खाली वाला जो है वो तुम्हारा जल से जल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम ऐसे जलाना कंटिन्यू रखोगे तो तुम्हारा जो पानी का जो है, पानी जहाँ पे है, तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पेपर नहीं जलेगा। हम लोग जब कुकिंग करते हैं ना, वहाँ पे भी ये लॉजिक यूज होता है। कैसे? अगर खाली नॉर्मल जो कढ़ाई होता है उसको अगर तुम आग में जलाते रहोगे तो ऐसे एक टाइम आएगा वो पिघल जाएगा, जो एलुमिनियम का है और लोहे का जो है वो पिघल जाएगा, वो रेड हो जाएगा। लेकिन कुकिंग करते टाइम में हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ रखते हैं, जैसे कि पानी हो गया और कुछ करी बनाने के लिए, तरकारी इस टाइप का कुछ बनाने के लिए भी हम लोग कुछ चीज़ डालते हैं, तो इसीलिए वो नहीं जलता, समझ रहे हो? तो तुम लोग क्या समझे कि हमारा जो हीट होता है वो वाटर जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, हीट जो है डायरेक्टली हमारा पानी को ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे तुम्हारा किताब में भी लिखा गया है, द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसपोर्ट टू वाटर बाय कंडक्शन। इसीलिए हमारा पेपर जो है वो कम हीट उसे मिलता है, और उतना हीट उसे नहीं मिल सकता जितना हीट में वो जल सके, ठीक है।
So, in the presence of water, the ignition temperature of the paper is not reached. Paper को जितना चाहिए जलने के लिए, जिसे हम ignition temperature जो बोलते हैं, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, उस टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सारे के सारे हीट जो है वो पानी को ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जलता। ओके? और जो चीज कम से कम इग्निशन जो टेम्परेचर उसको मिलता है और कम से कम इग्निशन की टेम्परेचर में वो जल जाता है, उस टाइप का जो चीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कि हमारा पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, जैसे हमारा जो लिक्विड एलपीजी हो गया, उस टाइप का। ये सारी चीज़ हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। जल से ये आग लग जाता है, बहुत कम टेम्परेचर में भी आग से ये आग लग जाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कशन करेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, आग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग ये जरूर दिखा होगा कि सुना भी होगा, फायर ब्रेकिंग आउट इन होम शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। हमारा घर में, दुकान में, फैक्ट्रीज में आग लग ही जाता है कभी कभी। अगर कभी दिखा नहीं तो तुम लोग को कभी जरूर सुना भी होगा, टीवी में तो जरूर दिखा होगा। फिलहाल में भुवनेश्वर में एक पेट्रोल टैंक में बहुत बड़े ब्लास्ट हो गया, गैस टैंक आग लग के, तो इस टाइप का जो होता है। तो यहाँ पे तुम लोग को एक काम दे दिया जा रहा है कि इसके बारे में जो आग लगता है, ठीक है, उसके बारे में एक छोटा सा तुम लोग नोट लिखो तुम्हारा नोटबुक में, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और इसे तुम लोग का जो क्लासमेट्स जो है उन लोग के साथ शेयर करो, क्या डिफरेंट आता है तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, कॉमन है, तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा। और ऐसा भी है, सारे के सारे एरिया में आजकल सारे के सारे, दो तीन दस साल पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है, सारे के सारे ब्लॉक में एक जरूर फायर स्टेशन जरूर होता है। और तुम लोग जो फायर स्टेशन जो है, जो फायर सर्विस कर देते हैं हमारा गवर्नमेंट का, उन लोग का तुम लोग नंबर भी कलेक्ट कर लो। इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग डू टू इज कॉल टू द फायर सर्विस। ये नंबर तुम लोग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा घर में हो या तुम्हारा जो पड़ोस के घर में अगर आग लग जाता है तो ये नंबर को तुम कॉल करके बुला सकते हो, वो लोग आके तुम लोग को आग बुझाने की हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेलीफोन नंबर रखना है फायर स्टेशन वाले का। क्या तुम लोग के सिटी और टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है, यहाँ पे पूछ रहे हैं। ऑफकोर्स हमारा कुकसरा में तो ज़रूर है, तुम लोग को मालूम ही होगा, हमारा स्कूल के नज़दीक भी है। और हमारा स्कूल को आके ये वाले हमारा पिछले साल डेमो भी दिखाई दे रहे थे, मॉक टेस्टिंग किए थे वो लोग ने, तुम लोग को याद आ रहा है ना। तो व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू। जब ये हमारा जो फायर ब्रिगेड्स वाले, फायर स्टेशन वाले जो जब पहुंचते हैं आग बुझाने के लिए, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उनके पास एक बड़ा सा गाड़ी होता है, गाड़ी के में बहुत बड़ा वाटर टैंक भी होता है, पता है ना। और ये पानी क्या करता है ना, जो पानी होता है, पानी का टैंक होता है, जो हमारा कंबसिबल मटेरियल जो है, जलने के वाला जो मटेरियल जो है, उसे टेम्परेचर कम कर देता है, उसके जो जलने की जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर जो है
उसको कम कर देता है, जिसके लिए आग बुझ जाता है। और ये आग स्प्रेड होने से हम लोग को बचाता है। ठीक है, तो हमारा जो वाटर भपूर होता है, जो छोटा छोटा वाटर भपूर जो होता है, वो कम्बसिबल मेटेरियल के अंदर चला जाता है और वो हम लोग को आग बुझने की मदद करता है। ठीक है, सो यहाँ पे तुम लोग ये पढ़े हो कि आग जलने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमारा फ्यूल हो गया, एयर हो गया और हीट। हीट इसके अंदर ही राइज होता है, क्योंकि जब आग लगता है ना तो उसके इग्निशन हीट होने के बाद ही बुझलता है। जो भी फ्यूल हो उसके नीचे का अगर टेम्परेचर है तो वो नहीं जलता। ठीक है, तो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिज रिक्वायरमेंट। इन तीन चीज से अगर एक हो या एक से दो चीज को अगर हम लोग कम कर दिया तो आग बुझ सकता है। जैसे कि हमारा हीट कम कर दिया, नहीं तो एयर बंद कर दिया। तुम लोग को मैं बोल रहा था पिछले क्लास में कि अगर किसी को आग लग जाता है, किसी के ड्रेस के आग लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंबल लेके उसको ढक देते हैं, आग बुझ जाता है, क्योंकि हम लोग एयर सप्लाई बंद कर देते हैं। और हीट जो है उसका जो इग्निशन जो हीट है उसको अगर कम कर देते हैं तभी भी आग बुझ जाता है, जो कि हमारा फायर ब्रिगेड्स वाले यूज करते हैं, पानी डाल देते हैं तो उसका जो हीट जो है वो कम हो जाता है, जिसके लिए आग बुझने की शुरू हो जाता है और स्प्रेड भी नहीं होता। ठीक है, सो फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर दिस रिक्वायरमेंट। ठीक है, द जॉब ऑफ फायर एग्जिस्टिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और बर्निंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। हम लोग फ्यूल को तो कंट्रोल नहीं कर सकते अगर उस टाइप का फ्यूल है तो। अगर एक लकड़ी में लग गया है यार, लकड़ी में लग गया है तो हम लोग लकड़ी को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगा, नो डाउट। किंतु मगर एक पेट्रोल में लग गया है और पेपर जैसे और घर में लग गया है तो हम लोग उससे नहीं निकाल सकते, फ्यूल का कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये दो चीज की मदद लेना पड़ेगा, एयर और हीट। और घर में लग गया है तो एयर को तो कंट्रोल करना मुश्किल ही है, हम कमर लेके नहीं ढक सकते वहीं पे, लेकिन हीट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पानी डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो सबसे कॉमन जो एक्सटिंग्विशर है आग बुझाने की जो चीज़ यूज होता है वो है हमारा पानी। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। अगर छोटे छोटे चीज़ हो, जैसे कि हमारा वुड हो गया, पेपर हो गया, ग्रास हो गया, कि घर में आग लग गया, इस टाइप के चीज़ में हमारा पानी काम करेगा। लेकिन हमारा जो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे तुम लोग को पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम लोग पानी डालोगे तो तुम करंट में मर जाओगे, क्योंकि पानी में करंट भी सप्लाई होता है ना। यार इज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, तो पानी आ जाए, पानी में तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा और तुम लोग को शक लगेगा, तुम लोग मरने की चांसेस बहुत डेंजर होता है। तो वहाँ पे हम लोग पानी की इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऐसे कि हमारा पेट्रोल जो है कि ऑयल जो है वहाँ पे भी तुम लोग को पानी डालोगे तो वो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि पानी पेट्रोल में मिलता नहीं है, ऑयल में भी मिलता नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो उसका जो हीट जो है वो कंट्रोल कैसे होगा। तो वहाँ पे हम लोग को एक अलग तरीके इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इसीलिए हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा पेट्रोल और ऑयल और इस टाइप का जो मटेरियल है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वहाँ पे हम लोग को आग बुझाने की बहुत मदद करता है, और ये सबसे बेस्ट हमारा आग बुझाने वाला चीज़ है। ठीक है,
तुम्हारा जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा हैवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवियर है। सो जहाँ पे भी हम लोग डालेंगे तो उसका एयर जो है वो कम कर देता है, वहाँ पे हम लोग पानी नहीं डालते, उसका हीट को कंट्रोल नहीं करते, हम लोग उसका एयर को कंट्रोल करते हैं, तीन चीज़ का जो रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और ये हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उसका भी कोई डेंजर नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे सप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग उसे यूज कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं। तुम लोग को याद होगा कि हमारा स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे सिलेंडर है रेड कलर का, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गया है, देखो फायर ये जो सिलेंडर है, ठीक है। उस सिलेंडर में हम लोग उससे बहुत प्रेशर में, हाई प्रेशर में हम लोग उसे कंप्रेस करके रखते हैं, और यह जो हमारा CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम भी और कूल डाउन करके, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत कूल भी होता है, जिसके लिए क्या होता है, जहाँ पे हम लोग ये स्प्रे करते हैं उसका जो हीट जो है वो भी कम हो जाता है, हमारा एयर भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन के नीचे चला जाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता, और उसका जो कूल होके ठंडे होके उसका हीट भी कम कर देता है, दो चीज़ भी कंट्रोल होता है, ठीक है। हम लोग सिलेंडर में रखते हैं, और एक तरीका है जो कि हमारा जो CO2 रिलीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो कि हमारा बेकिंग सोडा होता है, और हम लोग पोटासियम कार्बोनेट भी लेते, बाइकार्बोनेट भी हम लोग ले सकते हैं, इसके भी अगर आपके पास ले जाएंगे वो भी हमारा CO2 की काम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है नोटिस दैट द फ्यूल इज इन मोस्ट कॉमन केस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ फॉर इंस्टांस ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। जहाँ पे पूरे के पूरे बिल्डिंग जल रहा है वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग कंबल नहीं डाल सकते, हमारा फ्यूल जो है उससे हम लोग इधर उधर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस टाइप का जो बोला गया है, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन, ये हमारा कंबशन जो है ये कितने टाइप के होता है। चलो, ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तुम लोग हर दिन अगर नहीं जलाया है कि तो तुम्हारा घर में जो जलाते हैं उनका भी दिखा होगा, एक जला हुआ माचिस और लाइटर मार के तुम लोग जो गैस स्टोव की जो नॉब को उसका जो की जो है उसको ऑन करते हो तो क्या होता है, सडनली तुम्हारा गैस जलने लगता है। तो वी फाइंड दैट गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, गैस जो है ये सडनली जल जाता है। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस है, इस टाइप का जो चीज़ है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, इस टाइप का चीज़ को हम लोग बोलेंगे रैपिड कंबशन, ठीक है। तो देर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फरस व्हिच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, फॉस्फरस बड़ा ऐसा चीज़ है अगर तुम्हारा रूम टेम्परेचर में भी आ गया ना वो जल जाएगा। और जो चीज हमारा सडनली ब्रस्ट हो जाता है जब भी एक नॉर्मल चीज में भी ब्रस्ट हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, एयर में आएगा ब्रस्ट हो जाएगा, इस टाइप का जो चीज होता है उसे हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। तो हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन जो है, जैसे कि हमारा जो कोल्ड डस्ट आता है,
कोयला का जो डस्ट आता है वो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। और तुम लोग को याद होगा कि फॉरेस्ट में भी ऐसे आग लग जाता है, कुछ नहीं धूप हो रहा है, जंगल में पत्ता पड़ा हुआ है, कहीं से भी आग लग जाएगा, आग लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप चल जाता है इस टाइप से। ठीक है, मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये जो आग जलता है ना, ये हमारा इंसान की ही गलती से बहुत बार होता है। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर मोस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट। अगर तुम लोगों ने पिकनिक गए हो जंगल में, कुछ रहने के लिए मज़े करने के लिए गए हो, तो वहाँ ज़रूर हम लोग को जो कैंप फायर हम लोग करते हैं, ठीक है, और कुछ कुकिंग करते हैं, तो हम लोग को बुझा देना चाहिए, बुझा के आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ तुम लोग को याद होगा कि जब भी हम लोग कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, कुछ फेस्टिवल्स होता है, जैसे कि दिवाली हो गया, हम लोग फायरवर्क्स यूज करते हैं, जो क्रैकर होता है, ये जो चीज़ है ये वेरी इग्निटेड है। ठीक है, जो कि सडनली रिएक्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा आग की एक टुकड़ा भी, आग की छोटी सी जो फुलका भी अगर लग जाएगा ना, वो आग लग सकता है, डेंजर है, बहुत डेंजर होता है। लेकिन हम लोग का उसका जो लाइट आता है, साउंड होता है, तो हम लोग उसका मज़ा लेते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, जो इसका अंदर जो है एक बड़े अमाउंट का बड़े गैस फॉर्म हो जाता है, गैस बन जाता है, जो कि एक ही साथ में एक्सप्लोजन हो जाता है, एक ही साथ में आग लग जाता है, इसके कारण एक साउंड आता है। ठीक है, और कुछ ऐसे मज़ेदार लाइट्स भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है क्रैकर में, हमारा जो आता है ना, जो कुंफी वाला पटाखा, जो घूमने की जो आता है चक्री वाला पटाखा। ठीक है, ये सब। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं फ्लेम। तुम लोग एलपीजी का जो फ्लेम आता है उसे ध्यान से देखो, क्या देख रहे हो, क्या कलर है इसका? ऑब्वियसली एलपीजी का जो फ्लेम आता है वो ब्लू कलर की आता है, और जब कैंडल लगाते हैं तब क्या आता है, तब अलग आता है, तब हमारा येलो कलर का आता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो तुम लोग याद करो, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट्स जो है, ठीक है, हमारा जो मैग्नीशियम रिबन का जो जलाए थे क्लास 6-7 में, ठीक है, वो सारे के सारे जो है उसको जला के तुम लोग, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वहाँ के फिलअप करो। कैंडल जलने में उसका जो फर्म का जो फर्म क्या होता है, और डज नॉट फॉर्म फ्लेम, फॉर्म जो होता है उसका कलर क्या होता है और फॉर्म होता है कि नहीं, ये सारे के सारे लिखना है। ठीक है, तुम लोग को मालूम है कैंडल में फॉर्म होता है और फॉर्म येलो कलर का होता है, मैग्नीशियम में वाइट कलर का आता है, कम्फर में, कॉम्फर का मतलब जो कॉर्पूर हम लोग यूज करते हैं उसका क्या होता है, उसका भी येलो कलर आता है, हमारा जो पूजा करने के टाइम में यूज करते हैं, आरती करने के टाइम में। ठीक है, जो किरोसिन स्टोव यूज करते हैं उसका क्या आता है, उसका भी फॉर्म फ्लेम का जो फॉर्म वो बनता है, और वो येलो और ब्लू मिल के रहता है। चारकोल का ये डजंट फॉर्म फ्लेम, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म नहीं होता, वो रेड कलर का हो जाता है, पिक्चर में दिया गया है। देखो गैस स्टोव का क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर का हो रहा है, और हमारा जो कैंडल का वो येलो कलर का आ रहा है, जैसे ही कैंडल का यहाँ पे कुछ दिया है, ये सारे के सारे तुम लोग ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग 6.5 डिस्कस करेंगे। और तुम लोग को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अपना नाम जो है वो तुम्हारा कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का
वहीं पे डाल दो, तुम्हारा अटेंडेंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो तुम लोग को एब्सेंट बोला जाएगा, तुम लोग को ये बोला जाएगा कि तुम लोग क्लास नहीं कर रहे हो, ठीक है। ओके थैंक यू, फिर मिलेंगे हमारा एक नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।